हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बच्चों? या हेलो गाइस, हेलो हेलो एवरीवन गाइस, एम आई ऑडिबल बच्चों? परफेक्ट 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 परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो, सो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बस एक बारी कंफर्मेशन कर दीजिए, क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल दोनों हूँ आप लोगों के लिए? वाई फॉर यस एंड फॉर नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, यस यस यस। उत्तम का मैसेज आ गया है, वेरी गुड दीक्षित, वेरी गुड उत्तम, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए 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 चलिए। सो गाइस, आज हम डे फोर में हैं और हमारा वेक्टर का फोर्थ लेक्चर है आज ना। तो आज हम बात करेंगे, कल तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने देखा बिल्कुल बेसिक एक इंट्रोडक्शन है। फिर आज हम थोड़ा सा उस लेवल पे लेके जाएंगे जहां पर बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कतें आती है। अभी तो नहीं, फॉर अ टाइमिंग तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे, यू विल रियलाइज कि उन क्वेश्चंस को देख के आप लोगों को डर लगेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि फिजिक्स तो बहुत इजी है। वेरी गुड, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी दो एक्सिस हमें गिवन है, आराम से सुना बिल्कुल बेटे, ध्यान से एकदम सेपरेट रूम में हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एक्स और वाई अगर कोई भी एक्सिस हमें गिवन है और हमें कोई भी एक वेक्टर गिवन है फाइव, और ये उसका एंगल गिवन है हमें थीटा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, वन इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन इज अलोंग वाई एक्सिस। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान से एनालाइज कीजिए, बहुत प्यार से देखो ध्यान से। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि जितना ये कंपोनेंट होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, हमने यही बोला था ना, ये एक्स है ये वाई है। फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि एक्स क्या होगा सर, जो जिस तरफ थीटा होता है वो कॉस थीटा में टूटता है, यानी अगर मैं बोलूं एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, फाइव कॉस थीटा। वाई बोलिए कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बोलेंगे वाई बोलिए कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, फाइव साइन थीटा। अब थोड़ा सा यहां समझने की बात है, बस देखिए मैंने बोला जितनी लेंथ ये कितनी लेंथ है, फाइव कॉस थीटा, ये कितनी लेंथ है, वाई कितनी है, फाइव साइन थीटा। अब एक बार बताओ, मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ये तो फाइव, ये वाई और ये एक्स बना सकता हूं ना, और ये मैंने क्या बनाया, थीटा, परफेक्ट ना, परफेक्ट, वेरी गुड। अब मैंने थोड़ा सा यहां पर अपना बिल्कुल बेसिक मैथ्स लगाया कि अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, ये भी वाई तो ये भी वाई, तो ये भी एक्स तो ये भी कितना बनने वाला है, एक्स। तो आपको नहीं लगता ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल, एक्स एक्स पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड है, वाई वाई पैरेलल एंड सेम मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से सुनना, यानी हमें क्या समझ में आया यहाँ से कि कोई भी अगर एक वेक्टर गिवन होगा, कोई भी एक वेक्टर अगर हमें गिवन है ए वेक्टर, तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं, इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, दो एक्सिस के अलोंग विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से सुनना, एक एक्स हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा, है ना, कि किसी भी वेक्टर के, किसी भी गिवन वेक्टर के मैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट कर सकता हूं, तो ये ए एक्स बन जाएगा हमारा, अगर ये थीटा होगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए वाई। तो जल्दी बोलिए, थीटा वाली साइड किस में टूटेगा, ए कॉस थीटा, वेरी गुड, और वाई एक्सिस वाला कितना टूटेगा, ए साइन थीटा, पर परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब एक और बात बताइए मुझे, जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, क्या मेरी एक्सिस एक्स और वाई ऐसा ही हो, ये जरूरी है क्या, सभी बच्चे ही बोलेंगे क्या मेरी एक्सिस ऐसी ही हो, एक्स और वाई ये जरूरी है क्या, जल्दी हरी अप। हाँ वेरी गुड, नो 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 नो, इट इज नॉट नेसेसरी। अब ध्यान से सुनना, ये मेरे पास दो पेंसिल है, एक रिप्रेजेंट्स योर वाई एक्सिस, एक रिप्रेजेंट योर एक्स एक्सिस, सही है ना, समझ में आ रहा है, परफेक्ट सर।
तो हमने क्या बोला, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना बच्चों, ऐसे भी, अभी भी देखो परपेंडिकुलर है, ऐसे भी कर सकता हूँ परपेंडिकुलर है, ऐसे भी कर सकता हूँ परपेंडिक, मेरी मर्जी मैं कैसे भी करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी चलेगी, परफेक्ट चलेगी, ओके डन। अब सुनना, अब यहां से क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे ये वाली एक्सिस ना गिवन हो, कोई भी एक्सिस क्यों ना गिवन हो, मेरी मर्जी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास ग्राउंड, ध्यान से सुनना बच्चों, हमें यहां से एक ही चीज याद रखनी है कि किसी भी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं अलोंग दी परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर के दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा, एक वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। अब मैंने बोला कि मेरे लिए पास ना ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, देखो इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है दिखा दूं आपको, ए ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, देखो ये इंक्लाइन, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड रेस्पेक्ट मान लेते, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। अब हमने बोला कि दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ध्यान से देखना बच्चों, ये 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल हमें गिवन है, बिल्कुल समझने की कोशिश करना भाई, ये 30 डिग्री एंगल हमें गिवन है, कह रहे कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट करके दिखाओ। अब बड़ा टिपिकल हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए कि सर ये तो बड़ी मुश्किल वाली दुविधा में डाल दिया आपने, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं कभी सोचा नहीं, लेकिन सर ने क्या बोला है, आपकी मर्जी, क्या मर्जी कि किसी को भी एक्स मानो किसी को भी वाई मानो। तो देखिए अगर मैं एक्स को एक्स मान लेता हूं तो वाई बताइए सर, वाई इसके परपेंडिकुलर, कंडीशन नहीं टूटनी चाहिए बेटा, एक्स एंड वाई एंड जेड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, बस किसी को भी एक्स मानो किसी को भी वाई मानो, मेरी मर्जी। तो देखिए अगर मैंने इसको एक्स माना तो वाई तो ये बनेगा ना परपेंडिकुलर, तो मैंने वाई एक्सिस बना दी, ये बना दी, देखो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं तो ये क्या बन गया, वाई बना, ये एंगल कितना बना बच्चों, सर 90 डिग्री बना, परफेक्ट, कितना बना बच्चों 90 डिग्री बना, बताइए यहां तक समझ में आ रहा है क्या, हेलो हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी बताइए यहां तक समझ में आ रहा है, परफेक्ट 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 बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें करना है इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, इतना बताइए समझ में आया। चलिए अब हमें इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं अब हम लोग, देखिए ये 30 डिग्री, ये जरो 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 जोड़ो आगे तो ये 90 डिग्री बना, अगर ये 90 डिग्री बना तो ये एंगल कितना बना बच्चों 60 डिग्री। अब देखिए इस वाली लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है क्योंकि एक एक्स है और एक वाई, उसमें से ये एंगल 60 डिग्री आ गया, तो ये बताइए ये एंगल कितना बचा 30 डिग्री, कितना बचा 30 डिग्री, कितना बचा 30 डिग्री। अब हमारे पास केस क्या बना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और इस पे ये फोर्स कितना लग रहा है बेटा 10 न्यूटन लग रहा है ना, और ये एंगल कितना बन गया हमें 30 डिग्री, कितना बना हमें 30 डिग्री। आप बताइए कैसे करेंगे सर, अब तो बहुत सिंपल बन गया, देखिए 10 न्यूटन का इसके अलोंग इसके अलोंग इसके अलोंग कितना कंपोनेंट आया सर 10 cos 30, और एक वेक्टर के दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग कर सकता हूं, एक तो इधर हो गया, दूसरा किधर होगा बच्चे इस डायरेक्शन में, कितना 10 sin 30, अगेन द टिपिकल प्रॉब्लम बट इजिएस्ट तरीका, आप बताइए समझ में आया क्या, परफेक्ट तरीके से सोच लो, 1 सेकंड का टाइम ले लो, 2 सेकंड का टाइम ले लीजिए और मुझे आंसर बताइए, अगर समझ में आया तो यस वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 अभी एक क्वेश्चन और, अभी बहुत क्वेश्चन करने वाले, घबराओ मत इसी पे, बस अब हमें इतना समझ में आ गया कि ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग, यानी हमें एक चीज और समझ में आ गया कि एक्स और वाई मेरी मर्जी रहेगी भाई, जिसको मैं एक्स मानू जिसको मैं वाई मानू मैं मान सकता हूँ। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आप लोग करके दिखाएंगे, हेल्प करेंगे मेरी साथ के साथ, वही दोबारा
सेम क्वेश्चन बेटा, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बारी फिर देखिए। ये एंगल 60 डिग्री मान लेते हैं, इस पे एक फोर्स लग रहा है अंदर नीचे की डायरेक्शन में 5 न्यूटन, ठीक है ना। हमसे बोला गया इस 5 के दो कंपोनेंट कीजिए। अब हम किसके अलोंग माने, किसके अलोंग करूं मैं, तो मैंने देखे इसी एक एक्सिस को, इसी को एक को मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। लेकिन हमें तो इतना याद है एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, जहां फोर्स लग रहा है ना वहां ओरिजिन मान लो। परपेंडिकुलर है तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्या बन गई बेटा मेरे पास वाई। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। चलिए अब देखिए ये 90 डिग्री बना, तो ये भी तो 90 डिग्री बनेगा, बना ना। अब देखिए मैंने क्या बोला, ये अगर मैं एक आगे लाइन ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखना है इस वाले ट्रायंगल को, ये 5 न्यूटन है बच्चों, ये 60 डिग्री है बच्चों, तो ये कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो ये कितना बना 30 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, 90 प्लस 60 150, तो ये बचा कितना 30 डिग्री। इस वाले पॉइंट की बात करें, इधर मैंने क्या माना एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या माना बच्चों वाई एक्सिस, तो ये एंगल कितना बना बच्चों, ये एंगल बना सर 60 डिग्री, बना ना 60 डिग्री। अब देखिए एक्स वाई को बनाओ, ये एक्स ये वाई और ये 5 न्यूटन, ये कितना बना 60 डिग्री, ये कौन है एक्स, ये कौन है वाई, ये कौन है ओरिजिन। चलिए अब तो कर दीजिए इसको, तो ये 5 ये वाला कंपोनेंट थीटा वाला साइड किस में टूटेगा, 5 cos 60, इसमें कितना टूटेगा 5 sin 60। जल्दी बताइए क्या आपको इंक्लाइंड प्लेन को रोल करना आया क्या। वेरी गुड वेरी गुड, वेट बेटा वेट, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, वेट फॉर अ सेकेंड। वेट बेटा वेट, शायद अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, रुकिए दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। सभी बच्चे इसी चैनल के पेज को दोबारा देखेंगे। हाँ जी हाँ जी, समझ गया मैं बच्चों, समझ गया। सभी बच्चे इसी पाथ टू पिनेकल वाले यूट्यूब के चैनल पे लॉगिन कर लेंगे, जो भी लाइव वाला ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर लेना आप। ठीक है ओके ओके, विल ट्राई विल ट्राई।